क्रियाकलाप 5 7.3.2 मृदुतक पेरेन्काइमा। इस क्रियाकलाप के लिए हमें केला, पेट्री डिश, वॉच ग्लास, डिसेक्टिंग निडल, आयोडीन विलयन, स्लाइड, कवर स्लिप और सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। डिसेक्टिंग निडल का उपयोग करते हुए केले के नरम हिस्सों को निकालें। इसे पेट्री डिश या वॉच ग्लास में रखकर डिसेक्टिंग निडल की सहायता से मसलें। मसले हुए केले का थोड़ा सा हिस्सा लेकर स्लाइड में रखें और आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालें। इस पर कवर स्लिप लगाएं। सूक्ष्मदर्शी में निम्न आवर्धन पर इसका अवलोकन करें। उस भाग को ढूंढें जहां कोशिकाएं अलग हो, न कि एक दूसरे से सटी हुई। स्लाइड को आयोडीन से अभिरंजित करने पर कोशिकाओं के अंदर स्थित स्टार्च के कण गहरे नीले रंग के हो जाते हैं और गुच्छे के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इस भाग को उच्च आवर्धन पर फोकस कर इन कोशिकाओं की व्यवस्था को देखने का प्रयास करें। अवलोकन की गई कोशिकाओं की व्यवस्था का चित्र आप अपनी कॉपी में बनाएं। आप पाएंगे कि इन कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट होता है। कोशिकाएं छोटी होती हैं, इनमें कोशिका द्रव्य कम और कणिकामय होता है। कोशिका झिल्ली स्पष्ट और बारीक रेखा की तरह होती है। इन कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान अंतर कोशिकीय अवकाश पाया जाता है। जब पेरेन्काइमा में पर्णहरिम क्लोरोफिल पाया जाता है, तब इसे क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। जलीय पौधों में पेरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य में बड़ी गुहिकाएं होती हैं, इसे एरेन्काइमा कहा जाता है।